हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक कजूरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स से है, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला जाता है प्रूव दैट द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन इज ज़ीरो, या फिर इसको ऐसे भी दे दिया जाता है दैट समीशन ऑफ या सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, जहाँ पे आई वन से लेके एन तक जाता है, इसका सम कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि व्हेन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन आर एन ऑब्जर्वेशंस, जब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसे ही करके एन ऑब्जर्वेशंस हैं, देन तब मीन एक्स बार से हम लोग शो करते हैं। तो मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट। जब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन आर एन ऑब्जर्वेशंस, तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, एन ऑब्जर्वेशंस हैं, तब इनका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हो, सारी ऑब्जर्वेशंस तो यही हैं, तो इनका सम क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस ऐसे ही कित कहाँ तक, एक्स एन तक, सारी ऑब्जर्वेशन को आपने क्या किया, प्लस कर दिया, अब ऑन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, एन, तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स बार। अब क्या करें, एन को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा, लिख देते हैं इस चीज़ को, देयरफॉर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस ऐसे ही करते जाएं सारी ऑब्जर्वेशन को, प्लस कहाँ तक, लास्ट तक, यानी कि एन ऑब्जर्वेशन तक, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं एन एक्स बार। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, हमें क्या प्रूव करना है कि इन इसका सम किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, मींस ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है और ये हम लोगों की राइट हैंड साइड है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले और राइट हैंड साइड लेके आ जाए तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यही कर रहे हैं, अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड से। और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, हम लोगों को बोला गया सिग्मा, जहाँ पे आई वन से लेके कहाँ तक जाता है, एन तक, और एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। पहले तो इसका सिग्मा का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, तब इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कभी भी जब ऐसा होता है कि आपके सामने इस तरीके से लिख दिया जाए आई इक्वल टू वन टू फाइव और यहाँ पर लिख दिया जाए एक्स आई, तो इसको आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि आई के प्लेस पर वन से लेके फाइव तक लिखते जाइए नंबर्स और उन सबको आपस में प्लस करते जाइए, ठीक है। तब पहली बार में आप क्या लिखें, एक्स वन, ठीक है, आई के प्लेस पर रखा है वन हम लोगों ने, फिर प्लस करिए किसको, अब आई के प्लेस पर वन के बाद क्या आएगा, टू, तो रख दीजिए एक्स टू, प्लस उसके बाद में एक्स थ्री, इसको भी प्लस कर दीजिए, प्लस एक्स फोर, राइट, और लास्ट में कहाँ तक, एक्स फाइव। इसका मतलब आई को चेंज करते जाना है वन से लेके फाइव तक और उन सारे टर्म्स को प्लस करते जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तब इसको एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, अभी आई वन से लेके एन तक जाएगा ना, तो क्या लिखें, पहला टर्म तो हो जाएगा आई के प्लेस पर वन रखा माइनस एक्स बार, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, ठीक है। अब आई के प्लेस पे क्या रखना है, टू, तो एक्स टू माइनस एक्स बार, ठीक है, अब प्लस करना है फिर से, अब आई के प्लेस पे क्या रख रहा है, एक्स थ्री माइनस एक्स बार, एंड ऐसे ही करते हुए प्लस करना है कहाँ तक, एन तक, तो लास्ट में क्या रहेगा, एक्स एन माइनस एक्स बार, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी चीज़ को क्या किया, एक्सपेंड किया है यूजिंग दिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट्स ओपन किया तो ये एक्स वन माइनस एक्स बार, ठीक है, प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार, प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स बार, और इसी तरीके से यहाँ भी ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो एक्स एन माइनस एक्स बार, करेक्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी एक्स वन एक्स टू
एक्स थ्री, और ये सारे टर्म्स हैं इनको एक ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, रख लेते हैं इनको एक ब्रैकेट के अंदर। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, और इसी तरीके से सारे टर्म्स कहाँ तक, एन तक हम लोगों ने प्लस कर लिए और इनको एक ब्रैकेट में रखा, ठीक है। अब ये क्या है, x बार माइनस x बार माइनस x बार माइनस x बार, आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और लिख देते हैं क्या, x बार प्लस x बार प्लस x बार प्लस, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया तो अंदर के सारे साइन आपके क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है। अभी कितनी बार रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि टर्म्स कितने थे, n टर्म्स थे, और n टर्म्स थे तो x बार भी n टाइम्स ही आया है ना, तो ये कितनी बार प्लस करना पड़ेगा हम लोगों को, n टाइम्स प्लस कर दिया आपने इसको, ठीक है, और एक ब्रैकेट में रखा है। अब इक्वेशन नंबर वन पर आते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 एक्स एन, इसकी तो वैल्यू जानते हैं कितनी है, एन एक्स बार ना, तो इसकी प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर वन से एन एक्स बार रखा जा सकता है, रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग सीखते हैं, जब कभी भी ऐसा होता है कि x को 2 टाइम प्लस करें तो लिखते हैं क्या, 2x। अब x को अगर 3 टाइम प्लस करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3x। इसी तरीके से अगर एक नंबर को हम लोग n टाइम्स प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 2 टाइम करते थे तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई, अगर n टाइम्स प्लस करेंगे उसी नंबर को तो क्या करें, n का मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर दें, करेक्ट। सो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, x बार को हम लोग कितनी बार प्लस कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं ना, तो n टाइम्स कर रहे हैं तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, चलिए माइनस का साइन है पहले तो वो लगा दिया, और n टाइम्स कर रहे हैं तो क्या करें, n का मल्टीप्लाई कर दें और उसी नंबर को लिख दें, सो एन एक्स बार। अब क्या देख रहे हैं, एन एक्स बार में से एन एक्स बार को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। कभी भी जब एक नंबर को उसी नंबर से माइनस करें तो क्या आता है, ज़ीरो, और यही हम लोगों की क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।